नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 प्रश्न 5 हम करने जा रहे हैं। इसमें है टैन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टैन थीटा बराबर 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा। इसे हमें बच्चों हल करना है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो राइट साइड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें लेफ्ट साइड को अलग और राइट साइड को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वैसा ही एक प्रश्न है। और बच्चों, मैंने आपसे पहले भी समझाया था अपने पिछले वीडियोस में भी कि कभी भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिनमें आपको इनको लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर सिद्ध करना हो, कोशिश कीजिए सबसे पहले स्टेप में ही टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा सभी को ही साइन और कोसाइन में बदल दो। उससे आपको सवाल को हल करना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा ये लंबे हैं प्रश्न, लेकिन आपने ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना है तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। देखिएगा बच्चों, टैन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस का निशान है तो प्लस, आगे कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा बटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, 1 माइनस टैन थीटा होता है बच्चों साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस प्रकार से। और राइट हैंड साइड पे देखिए बच्चों घबराना नहीं है, लंबा होगा क्वेश्चन कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलिए। 1 प्लस सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब हमें इसको हल करना और लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखना। कई बच्चे यहीं पर देखकर सोचते हैं कि ये तो बड़ा जटिल सा प्रश्न हो गया, बहुत मुश्किल है, होगा नहीं, यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसको हल करेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए कैसे, ऊपर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको ऐसे ही लिखना है। नीचे बच्चों, इसी के नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 साइन थीटा और 1 का लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से भाग किया साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा, माइनस का निशान है तो माइनस, साइन थीटा को साइन थीटा से भाग किया 1, 1 को कॉस थीटा से गुना किया कॉस थीटा, बीच में है प्लस। अब आपने इस भाग को हल करके ये कर दिया है, यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा को बच्चों ऐसे ही रहने देंगे, उसके नीचे बड़े वाली ये बटा आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, कॉस थीटा को 1 से भाग किया, सॉरी कॉस थीटा और 1 का लघुत्तम आ गया कॉस थीटा, अब कॉस थीटा को 1 से भाग किया कॉस थीटा, कॉस थीटा को ऊपर 1 से गुना कर दिया, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना कॉस थीटा, माइनस का निशान है तो माइनस, कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग करेंगे 1, 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे साइन थीटा बराबर। अब देखिए, इसकी जगह ये लिखा, इसकी जगह प्लस, और इसकी जगह हमने ये हल कर दिया है। अब बराबर हम राइट साइड को हल करने लगे हैं। देखिए बच्चों, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, साइन थीटा और कॉस थीटा इसको पहले एक बार हल कर लेते हैं, 1 प्लस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम अगला स्टेप इसका करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग कलर यूज करता हूं ताकि आपको आराम से समझ आए। देखिए बच्चों, ये है साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, भाग का गुना बनेगा तो अगली रकम उल्टी हो जाती है, यानी ये साइन थीटा नीचे अभी ऊपर चला जाएगा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके नीचे आ जाएगा,
बीच में है प्लस का निशान। इसी प्रकार से बच्चों यहां भी होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसे ही लिखेंगे। गुना, ये भी इस भाग की जगह ये गुना हो गया, तो नीचे वाली जो रकम है उसका व्युत्क्रम लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। कॉस थीटा भी नीचे अब ऊपर हो जाएगा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और राइट हैंड साइड पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, इसका और इसका लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको जब वन से भाग करेंगे तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा को वन से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा एक, एक को ऊपर एक से गुना कर देंगे तो आ जाएगा एक। ये हमारे पास बच्चों बन गया है। आइए अब हम इसे आगे हल करके देखते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा बटा नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार से यहां पर ये है बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा बटा ये है साइन थीटा, मैं इसकी बात कर रहा था, यह है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि हम इसको और इसको एक जैसा बनाना चाहें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना चाहें, तो इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे, वो माइनस आ जाएगा यहां, तो ये प्लस का बन जाएगा माइनस, इससे इसका साइन चेंज हो जाएगा, अब ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ताकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसी हो जाए। और यहां पर ये ऐसे ही रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन बटा साइन थीटा कॉस थीटा। आइए अब हम इसे आगे हल करके देखते हैं। बच्चों प्रश्न बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपने। आइए हम इसे आगे करते हैं। इन चारों का लघुत्तम लेंगे, इसका, इस रकम का और इस रकम का लघुत्तम लेंगे तो वह आएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यह दोनों तरफ है। इसको जब इससे भाग करेंगे तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगी, कॉस से कॉस कट जाएगा, बाकी बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर से थीटा से गुना करेंगे तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसको जब इससे भाग करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ब्रैकेट कट जाएगी, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बाकी बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को ऊपर गुना करेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। राइट साइड पर ये ऐसे ही रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन बटा साइन थीटा कॉस थीटा। आइए अब इसे आगे हल करते हैं बच्चों, बस अब ये प्रश्न हल होने ही वाला है। देखिए बच्चों ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका फॉर्म जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर है कॉस स्क्वेयर थीटा बटा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। राइट हैंड साइड पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे इसको अलग से लिख दीजिए, या इसको ऐसे रहने दीजिए बटा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आइए अब इसे आगे हल करते हैं बच्चों। बस अब यह प्रश्न बच्चों हल होने ही वाला है, ध्यान से देखिएगा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाली ब्रैकेट कट गई, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? वन। प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां देखिए यह है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन, इसको उल्टा कर दो तो ये बन गया वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। यानी कि बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः सिद्ध हुआ। तो बच्चों देखिए इस पूरे वीडियो के माध्यम से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध किया है। आप देख रहे हैं यह प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप पूरे ध्यान से अपने प्रश्न को हल करते रहें तो अंततः हमारा जो प्रश्न है वह हल हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। बच्चों यह प्रश्न बड़ा है, इसलिए यदि आपको कहीं से भी यह प्रश्न ना समझ आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर उस स्टेप को दोबारा देख सकते हैं और उसे अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपको इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर अन्य वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।